नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ हसीक अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाजी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों, जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप हैं तो सब कुछ है। आज की हमारी वीडियो है बहुत इंटरेस्टिंग, सो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है हिंदी में, जो मैं नहीं पढ़ सकूंगी, सो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। हे गाइस, मैं ताजमहल में हूँ और यहाँ हम फर्श पर एक रहस्यमय मार्ग देख सकते हैं जो सीधे भूमिगत हो जाता है। अब अगर हम करीब से देखें तो यह ना केवल जालीदार धातु के दरवाजे से बंद है, बल्कि अगर आप दरवाजों के अंदर देखते हैं तो इसे लकड़ी के बोर्ड से ढक दिया गया है। इसका ना केवल यह अर्थ है कि आपको इस मार्ग में प्रवेश करने की अनुमति नहीं है, बल्कि आपको यह देखने की भी अनुमति नहीं है कि अंदर क्या है। यह भूमिगत मार्ग कहाँ जा रहा है? यह ताजमहल की मुख्य संरचना के ठीक बाहर स्थित है, लेकिन अगर हम ताजमहल के अंदर चलते हैं तो आप एक और विशाल मार्ग देख सकते हैं जो भूमिगत हो जाता है। यह भी बंद है, लेकिन एक संकेत है जो कहता है कि यहाँ मत रुको और इस बंद मार्ग की तस्वीरें मत लो। एक सील बंद मार्ग की फोटो क्यों नहीं खींची जानी चाहिए? क्या ताजमहल के नीचे सच में एक गुप्त तहखाना है? अधिकारी अनिच्छा से स्वीकार करते हैं कि ताजमहल में एक भूमिगत क्षेत्र है, और वे कहते हैं कि एक कक्ष है जिसमें राजा शाहजहां और उनकी पत्नी मुमताज की कब्रें हैं। लेकिन जमीनी स्तर पर हम दो और कब्रें भी देख सकते हैं जो उन राजा और रानी की ही कब्रें हैं। किसी मृत व्यक्ति को दो कब्रों की आवश्यकता क्यों होगी, एक जमीनी स्तर पर और दूसरी भूमिगत? उनका कहना है कि भूमिगत कक्ष और मकबरे भी बाकी ताजमहल की तरह ही सफ़ेद संगमरमर से बनी है, जो कि पूरी तरह से सफ़ेद संगमरमर से बना है। लेकिन क्या ताजमहल पूरी तरह से सफ़ेद संगमरमर से बना है? सच्चाई को समझने के लिए आइए उस तरफ चलते हैं जहाँ आगंतुक कभी नहीं जाते। हमें पास की नदी की तरफ जाना है और फिर देखना है कि क्या हो रहा है। आप देख सकते हैं कि इसका एक विशाल आधार है जो सफ़ेद संगमरमर से नहीं बल्कि लाल बलुआ पत्थर से बना है। वास्तव में ताजमहल के चारों ओर की सभी संरचनाएं लाल बलुआ पत्थर से बनी हैं। यह तथ्य नदी के किनारे से सबसे सही प्रकार से दिखाई देता है। भूमिगत मार्ग याद है जिसे बंद कर दिया गया था, यह भी नदी के किनारे स्थित है। मार्ग स्पष्ट रूप से लाल बलुआ पत्थर से बना है, लेकिन फर्श पर सामग्री को देखिए, यह भी लाल बलुआ पत्थर है। नदी के किनारे देखें, यहाँ कुछ बहुत ही रोचक छिपा है। क्या आपने तहखाने पर इस अजीब आयत को देखा? यह प्रवेश द्वारों में से एक है जो सीधे ताजमहल के भूमिगत क्षेत्र में जाता है। हम इसके बारे में कैसे जानते हैं? क्योंकि मार्विन मिल्स नाम के एक अमेरिकन वास्तुकार ने 1974 में इसकी स्पष्ट तस्वीरें ली, और इसमें लकड़ी के दरवाजे थे लेकिन ताला लगा हुआ था, इसलिए वह नहीं देख सकते थे कि अंदर क्या है। उसने दरवाजे से लकड़ी का एक छोटा सा टुकड़ा लिया और उसे रेडियो कार्बन डेटिंग के लिए भेजा, और परिणाम से पता चला कि लकड़ी ताजमहल से कम 250 साल पहले की है। समाचार पत्रों में सूचना के तुरंत बाद अधिकारियों ने लकड़ी के दरवाजे को हटा दिया और इसे ईंटों और प्लास्टर से बंद कर दिया। यही कारण है कि यह अब एक अलग रंग में दिखाई देता है। सरकार ताजमहल के भूमिगत क्षेत्र की ओर जाने वाले सभी प्रवेश द्वारों को बार बार सील क्यों कर रही है? अधिकारियों ने एक अजीबोगरीब स्पष्टीकरण दिया है। उनके अनुसार तहखाने में राजा और रानी के ममीकृत शव हैं। यदि ये शरीर वातावरण के संपर्क में आते हैं तो वे दूषित हो जाएंगे। उनका कहना है कि इसी वजह से बेसमेंट के सभी प्रवेश द्वारों को पूरी तरह से सील कर दिया गया है, ताकि बेसमेंट को एयरटाइट रखा जा सके। यह वास्तव में अजीब है, क्योंकि ताजमहल का फर्श वेंटिलेशन शाफ्ट से भरा है जो सीधे भूमिगत हो जाती हैं। यदि आप भीतर देखें तो वे इतने गहरे हैं कि बस अंधेरा होता जाता है। यदि अधिकारी वास्तव में ममियों को हवा के संपर्क में आने से रोक रहे हैं, जो पहले से ही संगमरमर के मकबरों के अंदर बंद हैं, तो उन्होंने इन झरोखों को खुला क्यों छोड़ दिया है?
उन्हें केवल बड़े छेदों को ही बंद क्यों करना पड़ता है जिसके माध्यम से मनुष्य प्रवेश कर सकते हैं? यह समझना आसान है कि अधिकारियों को हवा के अंदर जाने की परवाह नहीं है, लेकिन यह नहीं चाहते कि मनुष्य भूमिगत क्षेत्र में प्रवेश करें। यदि ताजमहल के तहखाने में केवल राजा और रानी की कब्रें हैं, तो हम एक ही कक्ष तक पहुंचने के लिए कई मार्ग क्यों देखते हैं? और लकड़ी के दरवाजे पर कार्बन डेटिंग के सबूत क्यों दिखाते हैं कि इसे ताजमहल से सदियों पहले बनाया गया था? क्या यह संभव है कि ताजमहल के चारों ओर तहखाना और बाकी संरचनाएं राजा शाहजहां से सदियों पहले बनी हों? इसे समझने के लिए हमें राजा शाहजहां के दरबारी इतिहासकारों द्वारा लिखे बादशाहनामा नामक पुस्तक को पढ़ना होगा। यह किताब महारानी की याद में ताजमहल बनाने के राजा के फैसले की व्याख्या करती है, लेकिन वही किताब वास्तव में यह साबित करती है कि इसके आसपास के बाकी ढांचे पहले से ही मौजूद थे। यह स्पष्ट रूप से उल्लेख करता है कि राजा शाहजहां ने ताजमहल को खाली जमीन पर नहीं बनवाया था, बल्कि जय सिंह नामक एक अन्य राजा से पुश्तैनी महल या हवेली खरीदी थी और फिर उस स्थान पर सफ़ेद संगमरमर की संरचना का निर्माण करवाया था। यह बहुत ही पेचीदा है, क्योंकि अगर राजा शाहजहां ताजमहल बनाना चाहता था तो वह इसे उसी क्षेत्र में कहीं भी बना सकता था। पूरा क्षेत्र अभी भी खाली है, लेकिन इसके बजाय उन्होंने एक मौजूदा संरचना खरीदने का फैसला किया और उस पर ताजमहल का निर्माण किया। उन्होंने ऐसा क्यों किया? क्योंकि ताजमहल का निर्माण सफ़ेद संगमरमर की संरचना अपने आप में एक स्मारकीय परियोजना थी। वास्तव में राजा शाहजहां इसकी वजह से लगभग दिवालिया हो गया था। अगर उन्होंने ताजमहल को खाली ज़मीन पर बनाने का फैसला लिया होता, खासकर नदी के पास, तो खर्च और प्रयास दोगुने हो जाते, क्योंकि तब उन्हें एक विशाल नींव बनानी पड़ती। हवाई दृश्य वास्तव में पुष्टि करता है कि तहखाने और बाकी संरचनाएं ताजमहल से बहुत पहले बनाई गई थीं। सभी प्राचीन संरचनाएं पूरी तरह से लाल बलुआ पत्थर और ईंटों से बनी हैं और एक किले से मिलती जुलती हैं। इन्हें केवल राजा शाहजहां द्वारा शीर्ष पर सफ़ेद संगमरमर के गुंबदों को जोड़कर संशोधित किया गया था। यह एक बहुत ही चतुर वास्तु संशोधन है, क्योंकि हम इसे ज़मीनी दृष्टि से बिल्कुल भी नहीं समझ सकते हैं। अब ताजमहल के भूमिगत क्षेत्र में वापस चलते हैं। यह स्पष्ट है कि यह क्षेत्र ताजमहल से पहले का है, लेकिन इसके अंदर क्या है? क्या यह संभव है कि तहखाने में वास्तव में एक प्राचीन रहस्य हो जिसे अधिकारी नहीं चाहते कि हम इसका पता लगाएं? क्या आपने सीलबंद मार्ग के ऊपर बिखरे सिक्कों को देखा है? ये स्थानीय लोगों द्वारा दिया गया धार्मिक चढ़ावा है, जो मानते हैं कि भूमिगत संरचना प्राचीन देवताओं का मंदिर है। स्थानीय लोग इस मंदिर को बादलगढ़ मंदिर के रूप में संदर्भित करते हैं और दावा करते हैं कि यह कई कई मील तक भूमिगत है। इसलिए मैंने बादलगढ़ के लिए गूगल मानचित्र खोजे और निकटतम बादलगढ़ लगभग 270 मील दूर है। क्या एक प्राचीन मंदिर 270 मील तक भूमिगत हो सकता है? यह असंभव सा लगता है, इसलिए मैंने आसपास के क्षेत्रों की खोज शुरू की और फिर मुझे आगरा के किले नामक इस शानदार किले में कुछ बहुत ही दिलचस्प मिला है। यह ताजमहल से महज 2 मील की दूरी पर है। आगरा किले का मूल नाम बादलगढ़ था। इसकी पुष्टि इतिहासकारों और पुरातत्वविदों ने की है, लेकिन फिर हम वही पैटर्न देख सकते हैं। इतिहासकार स्पष्ट रूप से कहते हैं कि यह संरचना केवल राजा अकबर द्वारा संशोधित की गई थी, जो राजा शाहजहां के दादा हैं। आप देख सकते हैं कि जहां मुख्य संरचनाएं लाल बलुआ पत्थर से बनी हैं, वहीं गुंबद किसी अन्य सामग्री से बने हैं। यह एक लुभावना किला है, लेकिन यहां मुझे एक भूमिगत मार्ग या कम से कम एक छोटी सुरंग की तलाश है। और आश्चर्य की बात नहीं है कि यहाँ एक विशाल आयताकार मार्ग है जो सीधे भूमिगत हो जाता है और जालीदार दरवाजे हैं, लेकिन फिर से जैसा कि आप देख सकते हैं कि यह बंद हैं। मुझे टूर गाइड्स द्वारा बताया गया है कि यह वास्तव में एक पुराना मार्ग है जो कि भूमिगत हो जाता है और अब इसका उपयोग नहीं किया जाता है, लेकिन किसी के गिरने और दुर्घटना होने से रोकने के लिए अधिकारियों द्वारा इसे बंद कर दिया गया है।
अब समस्या यह है कि यह मार्ग अंदर से बंद है। यही कारण है कि आपको ताले के इस तरफ एक चाबी का छेद दिखाई नहीं देता है। इसका मतलब यह है कि कम से कम एक व्यक्ति इसके अंदर है, इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। इन भूमिगत सुविधाओं का उपयोग कौन कर रहा है और क्यों? और फिर हम आगरा के किले में भी इसी तरह के वेंटिलेशन शाफ्ट को लंबवत नीचे की ओर क्यों देखते हैं? और यहाँ हम नीचे जाने वाली सीढ़ियों को देख सकते हैं, हमेशा की तरह यह भी बंद है, लेकिन कम से कम हम देख सकते हैं कि अंदर क्या है। यह सिर्फ एक छोटी सुरंग नहीं है, बल्कि आप यहाँ कुछ बहुत ही दिलचस्प देख सकते हैं। एक गुंबद के आकार का मेहराब, जो कि मुगल वास्तुकला की विशेषता है। इस निषिद्ध क्षेत्र में पहली नज़र से पता चलता है कि ये निर्माण प्राचीन नहीं हो सकते हैं। वे वास्तव में राजा अकबर या उनके वंशजों द्वारा बनाए गए थे। और फिर यहाँ एक छेद से झांकने पर हम कुछ ठोस प्रमाण देख सकते हैं कि भूमिगत संरचनाएं प्राचीन काल की हैं। वर्गाकार आधार वाला आठ मुखी स्तंभ, जो लगभग सभी प्राचीन भारतीय मंदिरों में पाया जाता है। वस्तुतः प्राचीन भारतीय ग्रंथों में इसका एक नाम है, इसे अष्टकोण स्तंभ कहते हैं। आप इन बहुआयामी खम्भों को भारत के लगभग किसी भी प्राचीन मंदिर में देख सकते हैं। यहाँ तक कि हम्पी के संगीतमय स्तंभ भी बहुआयामी हैं। ध्यान दें कि स्तंभ भी लाल बलुआ पत्थर से बना है, वही सामग्री जिसका उपयोग ताजमहल के तहखाने को बनाने में किया गया था। और ये सदियों बाद बनी नई ईंट की दीवारें हैं, जो प्राचीन भूमिगत संरचना को संशोधित करती हैं। और इस क्षेत्र को देखें, एक समान अष्टकोणीय स्तंभ हटा दिया गया है, क्योंकि यह नए ईंट के निर्माण में हस्तक्षेप कर रहा था। यह स्पष्ट है कि राजा अकबर या शाहजहां ने इन नई दीवारों का निर्माण किया था। यही वजह है कि वे नई दिखती हैं, लेकिन स्तंभ बहुत पुराना दिखता है। इससे साबित होता है कि एक प्राचीन भूमिगत संरचना है जो हमसे छिपी हुई है, जिसके ऊपर यह किला और ताजमहल दोनों बने हैं। याद रखें, मैंने कहा था कि ताजमहल और आगरा किले के बीच की दूरी लगभग 2 मील है। आगरा के किले से ताजमहल ऐसा दिखता है। इसका मतलब है कि उनके बीच में एक विशाल भूमिगत शहर फैला है, जो एलोरा गुफाओं के भूमिगत शहर की तरह है। तो आप क्या सोचते हैं, ताजमहल के अंदर सीलबंद तहखाना क्यों है? भूमिगत होने वाले इस प्रवेश मार्ग के पीछे क्या है? स्थानीय लोग इस मार्ग की पूजा क्यों करते हैं? लकड़ी के दरवाजे के रेडियो कार्बन डेटिंग से क्या तथ्य प्राप्त होता है? अधिकारियों ने तुरंत इसे ईंटों से क्यों ढक दिया? हम इन वेंटिलेशन शाफ्ट की व्याख्या कैसे कर सकते हैं? ताजमहल से मीलों दूर आगरा के किले में यह दरवाजा अंदर से क्यों बंद है? अंदर पाए गए प्राचीन स्तंभ के बारे में हम क्या कह सकते हैं? इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि इन सभी जगहों पर ताला क्यों लगाया गया है? मेरी समझ से इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह किसी प्रकार की गुप्त भूमिगत सुविधा है, एक प्राचीन रहस्य जो हमसे छिपा हुआ है। मैं प्रवीण मोहन, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये तो वाकई ऐसा लग रहा है बहुत सारे सीक्रेट्स छुपे इस वीडियो ने हमें बहुत कुछ सोचने पे मजबूर कर दिया। अच्छा, ये भैया जो है हमारे प्रवीण, बहुत ही ज़्यादा मतलब है कि इस तरह की जो एशियंस टाइप की चीज़ें हैं, ओल्ड इन चीज़ों में इनका बड़ा मतलब है कि नॉलेज भी है, और बड़े मतलब है कि उसमें हमें लगता है रिसर्च भी करते हैं। ये वहाँ मौजूद थे, एक बता रहे कैप्चर्ड हुए, बता रहे ना कि मैं वहाँ गया, मैं गया था, मैंने ये देखा, ये चीज़ें नोट की। अच्छा, ये वो चीज़ें या इनका पॉइंट ऑफ व्यू वो है जो आम लोगों का नहीं है। पूरी दुनिया ताजमहल को देख रही होगी, मैं इनकी सोच बता रहा हूँ आपको, लेकिन ये उनके राजों को से पर्दा उठा रहे हैं। राजों की भी नहीं है ना। देखिए, आप किसी ऐसी जगह पे जाते हो विजिट के लिए, और हर जगह आपको कोई ताला मिले, कोई लॉक मिले कहीं से, मतलब वो बंद हो, तो आप ये सोचोगे ना कि चले जब विजिटर्स आ रहे हैं तो उन्हें देखने का तो मौका मिले कि अंदर क्या है, ऐसा भी क्या है। चले एक जगह मना है, दो जगह मना है, हर जगह हर गेट पर। आम पब्लिक जो है वो सिर्फ और सिर्फ ये सोचती है कि हो सकता है कोई सिक्योरिटी पर्पज हो, कुछ हो, इग्नोर कर देती है लोग। हाँ, वो तो
अच्छा इस पूरी वीडियो भी आप लोगों ने भी देखी, हमने भी देखी, मैं इस पूरी वीडियो से जो नतीजा निकाल रहा हूँ, प्रॉपर नीचे आगरा से लेके ताजमहल तक प्रॉपर एक भूल भुलैया वाला जो एक पूरे रास्ते होते हैं, एक सिटी है। अच्छा अब सवाल पैदा होता है क्यों बनाया गया, क्यों बनाया गया? ये होता था पुराने दौर के अंदर, अक्सर मैंने ये नोट किया था, मूवीज में भी देखा है, दौर पुराने दौर के अंदर अक्सर मैंने नोट किया और ये भी देखा है कि दूसरे जो हमलावर होते हैं उनसे बचने के लिए खुफिया रास्ते बनाए जाते हैं। मिसाल के तौर पर अगर एक राजा है, अब उस राजा के ऊपर अगर हमला होता है, उसकी फैमिली के ऊपर हमला होता है, तो वो कहाँ जाए? वो इस तरह से गायब होंगे या इस तरह से छुपेंगे नीचे, या कई कई महीने नीचे रह सकते हैं, इस तरह से रास्ते होंगे कि दूसरे हुकूमत को, दूसरे हमलावरों को पता भी ना चले। इस तरह से मतलब एक सिस्टम बनाया जाता था अक्सर लाहौर के अंदर। अभी भी मैं अक्सर वीडियोस देखता रहता हूँ तो लाहौर के अंदर कई ऐसे पुराने घर हैं, हवेलियाँ हैं, जहाँ से खुफिया रास्ते मिल रहे हैं। अच्छा। और एक ऐसी हवेली है पंजाब में, एक ऐसी हवेली है जहाँ का खुफिया रास्ता है, वो इंडिया तक जाता है। इंडिया तक जाता है। उस खातून के घर, खातून के पास वो खजाना है था। जोसुंग का रास्ता है वो इंडिया की तरफ निकलता है। जोसुंग का रास्ता है वो इंडिया की तरफ निकलता है। ये इधर से एक और ये खुफिया रास्ता, ये इसकी सीढ़ी है। अच्छा इसमें सीढ़ियाँ हैं। सीढ़ियाँ, ये आप इधर से ऊपर जा सकते हैं। ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे एक और छत लगाया हुआ है। अच्छा। तो एक गेट हमने लगा के बंद किया क्योंकि स्नेक वगैरह बहुत आते थे ना। ठीक, हमने वीडियो देखी है तो अब वो उसमें कितना सच है कितना झूठ है, झूठे बात ही हम नहीं कह सकते। तो वो खातून कह रही थी कि ये 400 साल पुरानी हवेली है और हवेली अपनी असल कंडीशन में है। सही। और वो कह रही थी कि इसके अंदर खुफिया रास्ते हैं। वो अपने आप से बता रही है कि उन्होंने, होस्ट ने पूछा उनसे कि आप कहीं गए अंदर तक, गए हो कभी? बोला अंदर सांप आ जाते हैं, अक्सर हम कभी गए भी हैं या पुराने लोग जो गए हैं जिनसे हमने खरीदी है, तो आगे जाके सुरंग के अंदर सांप आ जाते हैं, तो हमने ये रास्ता बंद कर दिया है। तो कह रही है कि ये रास्ता वहाँ, जब इंडिया पाकिस्तान दोनों मतलब अलग देश नहीं थे, तो कह रही है कि ये रास्ता इंडिया तक भी जाता है। अच्छा, वो बता रही है। तो ऐसे बहुत पुराने, अच्छा कई ऐसी न्यूज़ आई हैं इस वक्त अचानक से ही कि कई ऐसे पुराने पुराने घरों के अंदर सुरंगें निकल रही हैं। तो ये एक डिज़ाइनिंग थी, ये एक पुराने दौर में मुगलिया सोच थी, क्योंकि मुगलिया दौर तिजोरियां होना, खुफिया दौर पे आपने देखा था बड़ी अजीबोगरीब तिजोरियां भी हुआ करती थी, कोई हर किसी के बस की बात ही नहीं थी। बहुत मतलब माइंड मास्टर होता था, मास्टरमाइंड भी होता तो वो भी नहीं खोल सकता था उसे, वो इस तरीके की होती थी, पता ही नहीं चलती थी तिजोरी है यहाँ पे। बिल्कुल। तो ऐसा भी होता था। तो मुझे लगता है यकीन है ये जो जगह है इसको लॉक करके रखा गया है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ खुफिया राज होंगे। और मेरे ख्याल में जितने भी लोग जाते हैं ताजमहल को देखते हैं तो वो नॉर्मल एक विजिटर के तौर पर देखते हैं, लेकिन अच्छा वो वाली प्लेस जहाँ पे कॉइन्स पड़े हुए थे, आपको क्या लगता है कि क्या हुआ? वही रास्ता है जो बंद किया हुआ है, यानी कि जाहिर सी बात है कि कॉइन्स मतलब वो पूछते हैं वहाँ पे। असल में होता पता है क्या है, होता ये कि कोई भी जगह होती है तो एक शख्स कोई प्रैक्टिकल करता है, कोई अमल करता है, या सिक्का फेंकता है, या कोई दुआ करता है वहाँ खड़े होकर, तो फिर लोग कबूल, लोग जो है उसको आजमाओं करने लग जाते हैं, अगर इन्होंने किया है तो हम भी करें। तो इस तरह से अक्सर जगहों पे, जैसे हमने समंदर में भी देखा है कि हम सिक्का फेंकते हैं, दुआएं करते हैं, यानी कि मान्यताएं पाई जाती हैं। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। और ताजमहल एक खुद अपने आप में एक दुनिया का एक अजूबा है, एक ऐसी चीज़ है कि जो पूरी दुनिया में फेमस और पूरी दुनिया। हाँ, लेकिन यकीनन पैसा था उनके पास मुगलिया दौर में, तो उन्होंने ऐसी चीज़ें बनाई हैं जो आज तक मतलब हैरत अंगेज है। और मुझे इनकी सोच या इनकी जो रिसर्च है इस पे भी मैं दाद दूंगा, परवाह बिल्कुल, कि उन्होंने इस हद तक जाकर प्रवीण जी ने सोचा कैसा है तो क्यों है, वैसा है तो क्यों है, क्योंकि विजिटर्स जाते हैं वो बस एंजॉय करते हैं उसकी ब्यूटी को और बस घर लौट आते हैं। आप लोगों के कमेंट्स थे कि हमें इनकी वीडियोस पे मजीद रिएक्शन देना चाहिए, और वाकई बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत इन्फॉर्मेटिव, और मजीद हम कोशिश करेंगे कि इनकी अच्छी वीडियोस और निकाल के इस पे रिएक्शन दें। मजीद भी क्योंकि मैं कहता हूँ, ये कहूँगा कि बहुत ज़बरदस्त और रिसर्च करते हैं और मेहनत से बनेगी। अच्छा हम तो 2 मिनट 10 मिनट में देख अच्छा, लेते हैं। और बात, इनकी सोचे बड़ी मतलब नायाब है देखा जाए तो। बिल्कुल, आम इंसान सोचेगा कि कुछ ना कुछ रहा होगा, छोड़ो खत्म करो, लेकिन ये आपने देखा कैमरे से पिक्चराइजेशन भी कैसे करी है कि हर मुमकिन कोशिश की है कि अंदर का कैप्चर कर ले। बिल्कुल, तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी। मैं कह रहा हूँ नॉलेज है इनके पास और एक सोचने की सलाहियत है,
और ये मतलब जिस तरह से डिटेल बता रहे हैं, तो मज़ीद हम कोशिश करेंगे इनकी और अच्छी वीडियोस पे भी रिएक्शन दें। आप लोग हमें लिंक सेंड कर, अक्सर आप कमेंट्स करते हैं तो साथ में लिंक सेंड कर देते हैं, तो उससे हमें थोड़ी सी आसानी हो जाती है। और आप लोगों का इसी तरह अक्सर बेशतर ऐसा होता है कि आप रिक्वेस्ट तो करते हैं और हम उस वीडियो पर रिएक्शन भी देते हैं, लेकिन हमेशा ऐसा हो जाता है कि वीडियो कुछ और होती है, मतलब एक ही टॉपिक पे बहुत सारी वीडियोस होती है, तो हमको किसी और वीडियो पे रिएक्ट कर रहे होते हैं, तो फिर आप बाद में बोलते हैं कोशिश क्या करें कि आप हमें लिंक भी दे दें। हाँ, और हो सकता है कि हम कुछ टाइम में एक इंस्टा की आईडी बनाकर दे दें, उसमें डाल दिया करें ताकि उस पर भी आप लिंक। बहुत सारे इंस्टा पे हैं मेरे साथ, वो तो खुद से आ गए हैं ना, जो मतलब है कि आपकी मोहब्बत है लोग, लेकिन ये है कि जो लोग मतलब है कि अक्सर पूछते हैं कि आप लोगों का इंस्टी के इंस्टा आई डी, तो हाँ मेरे ख्याल में ताकि तो आप लोग की रिक्वेस्ट थी कि इनकी वीडियोस पे मज़ीद हम रिएक्शन दें, तो अक्सर आप इंस्टा की आईडी भी पूछते हैं, तो हम आपके साथ शेयर करेंगे इंस्टा की आईडी, ताकि आप लिंक सेंड कर दिया करें और आसानी से हमारे पास आपके रिक्वेस्ट जो लिंक सेंड करते हैं और आगे मज़ीद जब आप दे देंगे लिंक। तो एक बहुत ज़बरदस्त इंफॉर्मेटिव वीडियो थी दोस्तों, दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।